किशोर जी, ये जो मलाड वॉकेथन में आप मेन स्पॉन्सर रहे, तो इवेंट का विचार आपको कहाँ से आया और किस तरह से आप ये इवेंट से जुड़े हुए हैं? ये निर्मल बंग मलाड वॉकेथन पिछले 4 साल से हो रहा है एंड वी आर द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ दिस इवेंट। मैं खुद मलाड से हूँ, उस हिसाब से मैं इससे इमोशनली अटैच्ड हूँ और इसलिए ये प्रपोजल जब आया तो हमने ये इनिशिएटिव लिया और डे वन से हम ये वॉकेथन हर साल कर रहे हैं। ये वॉकेथन का मेन उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस टू स्टार्ट दिस इवेंट? मैं खुद मैराथन रनर हूँ और इस वॉकेथन से अवेयरनेस क्रिएट होती है फिटनेस की, तो मेन उद्देश्य वही है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने का। और उसके अलावा साथ साथ में इस मैराथन का उद्देश्य ये भी है कि स्किल डेवलपमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पुअर चिल्ड्रन, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी उद्देश्य है, तो उसमें भी इसका फंड्स यूज़ होता है। तो उस हिसाब से ये उद्देश्य दोनों है, पर्पस दोनों है इसके। जैसे कि आपने कहा, आप भी मैराथन रनर रह चुके हैं, कौन सी मैराथन और कितने किलोमीटर में आपने पार्ट्स लिया है? मैं फुल मैराथन रन करता हूं और मैंने अभी पिछले 1 साल में 3 फुल मैराथन किए, न्यूयॉर्क में, लंदन में और शिकागो में। अच्छा, ये जो मलाड वॉकेथन है, इसके मेन पर्पस इज, जैसे कि आपने कहा, बच्चे को, पुअर बच्चे को स्किल डेवलपमेंट्स के लिए और अदर जो सोशल कोज के लिए है, प्राइम मिनिस्टर की जो फिट एंड रन की जो है स्कीम, उससे आप इस योजना से किस तरह से जुड़ते हो? इससे जुड़ने अब फिट तो ये अवेयरनेस क्रिएट करता है फिटनेस के लिए एंड प्लस ये सोशल कॉज भी जो है मीट करता है, स्किल डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए। तो जो दोनों इनिशिएटिव जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो वो दोनों इनिशिएटिव से जुड़ जाते हैं हम। ये वॉकेथन के अलावा और निर्मल बंग जी क्या क्या यानी सोशल एक्टिविटीज या सोशल कॉज कर रहे हैं? हमारा ग्रुप काफ़ी CSR एक्टिविटीज करता है, एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए, वुमन एम्पावरमेंट के लिए, ऐसे काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं हमारी जो हम CSR के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं और सोसाइटी को वापस देते हैं। सिलहाल मलाड वॉकेथन जो 3, 5 और 10 किलोमीटर की है, उसमें पुलिस, आर्मी, नेवी, NSG सब पार्ट्स कर रहे हैं। इसके अलावा इसको आप एक्सपांसन करने जा रहे हैं कि सिर्फ मलाड तक ही सीमित रखेंगे? फिलहाल तो मलाड तक ही सीमित रखेंगे, बट एवरी ईयर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। इस बार जैसे 5,000 से भी अधिक पार्टिसिपेशन रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें काफ़ी महिलाएं भी काफ़ी बड़े नंबर में पार्टिसिपेट कर रही है और स्पेशल चिल्ड्रेन है। उसके अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मुंबई पुलिस, BMC सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका जो ये मेन स्पॉन्सर इसमें आप रहे हो, तो आप ये मैराथन को या वॉकेथन को किस नज़रिया से देखते हो? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये वॉकेथन हो या मैराथन हो, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है फिटनेस के लिए। एवरी ईयर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक उसका प्रमाण है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है फिटनेस के लिए। तो उस हिसाब से ये समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य है, फिटनेस के लिए भी हेल्प करता है एंड प्लस अगेन एज आई सेड के उसके जो फंड्स जो है वो सोसाइटी में भी यूज होते हैं। आप दर्शकों को फिटनेस के लिए क्या एक गुरु मंत्र देना चाहेंगे? गुरु मंत्र यही है, आज के इस जमाने में, इतने स्ट्रेस भरे युग में, सभी को अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी करो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, योगा करो, जो आपको सूट होता है वो कार्य, वो एक्टिविटी करो, बट कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो आपको सूट होता हो वो आप करो, बट फिट रहो। थैंक यू किशोर जी, दर्शकों को अच्छा शुभेच्छा संदेश देने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त BKSRS के प्रमोटर संजीव डोकानिया जी है, जो मलाड वॉकेथन की 4th सीरीज के स्पॉन्सर भी है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं।
संजीव जी, आप बताएंगे कि मलाड वोकेथन में आप किस तरह से जुड़े हुए हो और आप उसमें क्या प्रमोशन या तो फिर जो स्पर्धक है उनको क्या देने वाले हैं? नमस्ते। वोकेथन से हम पिछले साल इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद हमें लगा कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर हमने इसमें प्रपोजल दिया कि हम इसमें किसी भी आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, तो उनकी टीम ने हमें ओके किया और हम इसमें आर्थिक रूप से सहयोग कर रहे हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए हम इसमें जुड़ना चाहते थे। मलाड वोकेथन में बीके सारीज किस तरह से प्रमोट कर रही है? बीके सारीज, हम साड़ी के मैन्युफैक्चरर हैं। हम 40 ईयर से बीके सारीज ब्रांड के नाम से कॉटन की साड़ियाँ बनाते हैं। जब हमें ये पता चला कि वॉकेथन में महिलाएं बहुत का पार्टिसिपेंट्स उतना नहीं होता है, तब हमें इसे प्रमोट करने के लिए हमने सोचा कि इसमें महिलाओं को प्रमोट करने के लिए जितनी महिलाएं आएंगी वो उनका रजिस्ट्रेशन फ्री रखा जाएगा और वो महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो महिलाएं स्वस्थ होगी तो हमारा समाज स्वस्थ होगा और महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और वो मैराथन के माध्यम से वो आएंगे, वो दौड़ना सीखेंगे, चलना सीखेंगे, तो इससे अच्छा होगा। इस हिसाब से हम मैराथन से ये समय ये मलाड फोर्थ ओकेशन में अंदाज से 1000 से ज़्यादा महिलाएं वो भाग ले रही है, तो आप भारतीय संस्कृति को सारी से किस तरह से आप देखते हैं? भारतीय संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है भारतीय नारी और भारतीय नारी की मुख्य परिधान है, मेन ड्रेसिंग है साड़ी। भारतीय नारी की जो भी शोभा आती है वो भारतीय नारी और भारतीय साड़ी, ये दोनों के आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भारतीय नारी की सबसे ज़्यादा सुंदरता जो है, सबसे ज़्यादा सौम्यता जो है, उभर करके साड़ी में ही आती है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि भारतीय नारी साड़ी का प्रयोग खूब से खूब करें जिससे अपने भारत की गरिमा भी बढ़े। ये अपना एक ट्रेडिशनल परिधान है, इसका भी प्रमोशन हो और वो खूब स्वस्थ रहें। तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज के मॉडर्न युग में लोग जींस पहन के ही चलते हैं, मॉर्निंग ट्रैक्स में ही चलते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, साड़ी पहन के भी उतने ही स्वस्थ रूप से चला जा सकता है और अपनी मर्यादा को भी मेंटेन किया जा सकता है। अंदाज से 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेशंस महिला इसमें कर रही है, तो आप कितने प्राइजेस देने वाले हैं? प्राइजेस इसमें जितनी भी महिला पार्टिसिपेंट्स कर रही है सभी का रजिस्ट्रेशन बीके सारीज की तरफ से किया गया है। रजिस्ट्रेशन की जो प्राइसेज है वो बीके सारीज ने दी है। इसके अलावा जो भी महिलाएं 1, 2, 3 टॉप रनर रहेंगी उनको हम एक छोटा सा तोहफा अपनी तरफ से साड़ी के रूप में देना चाहेंगे। बीके सारीज के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? बीके सारीज सर, हम लोग पिछले 40 साल से कॉटन सारीज बनाते हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रमोट करते हैं। साड़ी जो है यह बहुत ही अच्छा परिधान है। यह जो साड़ी और भारतीय परिधान का आपने कहा, लेकिन आप खुद जैसे कि वोकेथन को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप आपकी तंदुरुस्ती के लिए क्या करते हैं? तंदुरुस्ती, यह बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तंदुरुस्त के बिना अगर इंसान तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो वो अपना व्यापार भी नहीं कर सकता है, समाज को भी नहीं ठीक से कर सकता है, किसी भी चीज़ में वो स्वस्थ रूप से, स्वस्थ शरीर होगा तो ही स्वस्थ दिमाग होगा, स्वस्थ दिमाग होगा तो ही स्वस्थ समाज होगा। इसके लिए जो अपने प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है फिट इंडिया, फिट इंडियंस फिट इंडिया, बरोबर है ये जो स्कीम चल रही है, तो अपने प्रधानमंत्री जी भी वही कहते हैं कि इंसान अगर स्वस्थ रहेगा तभी देश स्वस्थ रहेगा, फिट इंडियन फिट इंडिया। इसीलिए हमें भी ऐसे सोचना है कि जब भी तक सब लोग फिट रहेंगे कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, भले वो रनिंग हो, दौड़ना हो, चलना हो, सुबह उठ करके योगा करना हो, कोई भी एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, स्वस्थ रहेंगे तो ही अपने स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा स्वस्थ इंडिया तो बनेगा इंडिया मस्त, लेकिन इसके अलावा आप सोशल एक्टिविटीज, सोशल कोर्स क्या क्या करते हो? जी, हमारी कंपनी काफ़ी संस्थाओं से जुड़ी हुई है, जब कभी भी कोई भी अच्छे कार्य के लिए हमें प्रेरणा मिलती है हम उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें जरूर सहयोग करते हैं और सहयोग करके हमें बहुत खुशी होती है। आप दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर स्वस्थ और मस्त। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप मस्त रहेंगे और तो ही आप जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद कीजिए। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त जनता वेफर्स के रोशिल भाई खक्कर है।
रुशिल भाई, कल जो ये मलाड वॉकेथॉन की फोर्थ सीरीज हो रही है, उसमें जनता वेफर्स का क्या योगदान है, आप बताएंगे? हमारा ब्रांड मलाड में 1954 से है। हमने जितना मलाड में कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, हमें लगा कि ये एक ऐसा इवेंट है जो सबको साथ में ला रहा है, जो सबको एक हेल्दी रास्ते पे लेके जा रहा है। तो हम लोग ने सोचा कि वाई नॉट हम लोग भी ये इनिशिएटिव को बढ़ावा दे। हम लोग ने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था सेम इवेंट में, हम लोग ने लास्ट ईयर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किए थे पैकेट्स के, हम ये साल भी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं पैकेट्स के। और हमें ये लगता है कि ये इवेंट को जितना बढ़ सके उतना बढ़ना चाहिए और पूरा मलाड को इसमें पार्ट लेना चाहिए। आपने कहा कि आप जनता वेफर्स की ओर से भी इसमें योगदान दे रहे हैं। हाँ। ये जो स्नैक्स दे रहे हैं वो किस हिसाब से वो स्नैक्स रहेगा? ये टाइम हम लोग ने एक हेल्दी स्नैक बनाया जो कम्प्लीटली रोस्टेड है। हम ये स्नैक डिस्ट्रीब्यूशन में देंगे सारे सारे पार्टिसिपेंट्स को, बिकॉज एक हेल्दी स्नैक एक ऐसा उन लोग का एनर्जी सोर्स आता है, एक प्रोटीन सोर्स बढ़ाता है, जिससे उनको वो वॉक के बाद रिकवरी में इजी पड़े और उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ वो भी जा सके। रुशिल भाई, आप खुद भी यंग है, आपने अभी तक किसी मैराथन या वॉकेथन में पार्ट लिया है? मैंने स्मॉल मैराथन में पार्ट लिया है और वॉकेथन में मैंने लास्ट ईयर भी पार्ट लिया था। आप खुद भी फिट है, तो आप फिट रहने के लिए दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी हो एक एक्टिविटी करना चाहिए, वॉकिंग बेस्ट एक्टिविटी है। वॉकिंग एक बार चालू करें तो रुकना नहीं चाहिए, वॉकिंग डेली होना चाहिए, उससे हेल्थ सबसे अच्छी रहती है। थैंक यू रुशिल भाई हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।